6 घंटे अभी हम भाई इस अंधेरी रात में गुजारने वाले हैं। भागो, मजा आने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग है भाई। क्वार्टर में गिर के मर गया था कोई? भाई यार ये कैसी कैसी चीज हो रही है, तो वो शुरुआत थी। ओ भाई भाई क्यों आया मैं पागल हूँ जो मैं यहाँ आया, मैं बेवकूफ हूँ। पहले मेरे को एक बात बताओ, घर जाने का रास्ता तो पता है ना? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो भाई आज ना मैं आपके लिए कुछ अनोखा चैलेंज लेकर आया हूँ। तो भाई इस चैलेंज का नाम होने वाला है नाइट स्टे एट हॉन्टेड प्लेस चैलेंज। तो भाई इस वक्त भाई मैं हूँ और मेरे साथ भाई प्रशांत है, हम दोनों भाई रात के टाइम बाहर आ रखे हैं और भाई आज हम पूरी रात बाहर रहने वाले हैं भाई। और भाई आज हम लोग भाई पूरी रात बाहर रह के भाई ऐसी ऐसी हॉरर जगहों पे जाने वाले हैं भाई, ऐसी ऐसी हॉरर जगहों का एक्सपीरियंस करने वाले हैं। क्योंकि भाई हमने सुना है ना यहाँ पे ना कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ना भूतिया हरकतें होती हैं। तो भाई हम भी तो देखें ऐसी कौन सी चीजें जो बच्चों को डरा रही हैं। और भाई कहते हैं ना कि रात के 12 बजे भाई भूतों के निकलने का समय हो जाता है, तो भाई आज हम भी ना भूतों से मिलने की कोशिश करेंगे भाई। वो भी रात के 12 बजे निकलते हैं, हम भी रात के 12 बजे निकल पड़े हैं। आज भाई हम लोग ना भूतों से रिश्तेदारी बनाएंगे, हम भी तो देखें भाई कि भूत कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। क्योंकि भाई हम ना परेशान हो चुके हैं भूतों के बारे में सुन सुन के। तो भाई हम देखना चाहते हैं कि भाई क्या सच में भूत 12 बजे के बाद निकलते हैं। भूत भाई देखो मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बस चेक करने आए हैं कि क्या आप लोग सच में 12 बजे के बाद घूमते हो या फिर आपकी कोई टाइमिंग है फिक्स। और कई जगह तो ये भी कहते हैं ना कि भाई रात के 3 बजे भी आते हैं। तो भाई रात के 3 बजे तक तो छोड़ो, हम लोग सूरज निकलने तक भाई आज रात को घर से बाहर रहने वाले हैं और देखते हैं कि हमारे साथ क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं भाई हम अपनी पहली लोकेशन पर जो कि हॉन्टेड लोकेशन होने वाली है। तो भाई रात को हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। बहुत रिस्क पे भाई हम ये वीडियो बना रहे हैं भाई। और तो और अगर ये वीडियो अपलोड हो चुकी है तो भाई इसका मतलब हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, बट बहुत सी चीजें हो भी सकती हैं। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी पहली लोकेशन पर जो कि बहुत ज्यादा हॉरर होने वाली है। और भाई प्रशांत ने मुझे बताया कि यहाँ पे कोई हॉरर लोकेशन है, तो वहाँ चलते हैं। तो भाई अभी हम उस लोकेशन पर जा रहे हैं भाई धीरे धीरे, लेकिन भाई अभी भी ना कई सारी गाड़ियाँ चल रही है, मतलब कि अभी भी लोग जगे हैं। अभी थोड़ी और रात होगी भाई, धीरे धीरे ना यहाँ पे सब लोग सो जाएंगे और यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा। और उस सन्नाटे के बीच में भाई हम कैसे रहेंगे वो हमें ही पता है, लेकिन भाई मज़ा आने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग है भाई, कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे रात को। बस किसी भूत से पालाना पड़ जाए बस यही दुआ करूँगा मैं। बाकी चलते हैं भाई अपनी लोकेशन की तरफ और वहाँ देखते हैं कि कौन सा भूत हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो चलो गाइस। तो भाई इस वक्त पता नहीं भाई हम कहाँ गए हैं भाई, इतनी पतली गलियाँ है ना यहाँ पर और इतना सन्नाटा है। यहाँ पे तो लाइट जली हुई है लेकिन यहाँ पे एक भी इंसान नहीं है, बस हल्की सी लाइट है। और भाई भाई एक बार जगह दिखाओ, पहले आसपास जगह दिखाओ। ये देखो भाई पूरी पूरी झाड़ियाँ पड़ी है भाई, बिल्कुल अंधेरा है। आगे की साइड देखो जहाँ अभी हम जाने वाले हैं वो दिखाओ। ये देखो भाई अभी हम यहाँ पे जाने वाले हैं, वो तो हमारी फ़ोन की टॉर्च थोड़ी जली हुई है इसलिए आपको नॉर्मल लग रहा है। और भाई वो खंडर घर देख रहे हो आप, वो सारे घर भाई अभी ना हम वहीं जाने वाले हैं क्योंकि भाई वो कंस्ट्रक्शन पे है। और भाई आपको भी पता है कंस्ट्रक्शन घर में क्या क्या होता है। तो भाई मेरे को पता नहीं मैं पागल हूँ, मेंटल हूँ, सनकी हूँ जो यहाँ मैं आया और उस घर पे जाने की बातें कर रहा हूँ, बट हाँ हम जाएंगे और रिस्क लेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। तो आ जाओ गाइस मौत का तमाशा देखने। तो भाई हमने भाई पतली गलियों की शुरुआत कर दी है, ये देखना ये कैसी जगह है भाई, कैसे कैसे हम जा रहे हैं। और ये भाई मैं सही बता रहा हूँ अब मेरे को ना डर लगने लगा है धीरे धीरे, सही बता रहा हूँ प्रशांत, ये गर्ल चैलेंज में फंसा दिया भाई। एक तो ये देखो, आओ एडवेंचर कराता हूँ गाइस, ये देखो अभी ना हमें इसके ऊपर चलते हुए जाना है और ये नीचे ना धस जाए, मेरे को ये डर लग रहा है भाई। कैसी कैसी जगहों से निकल के जा रहे हैं हम भाई, इसमें मत गिर जाना तुम, बहुत गहरा होता है ये, इसमें मत गिर जाना भाई बहुत गहरा होता है ये, दिक्कत हो जाएगी। क्या हुआ था तुम्हारे गाँव में? जो गटर है ना, हाँ इसमें गिर के मर गया था। क्वार्टर में गिर के मर गया था कोई? भाई अभी हम भी बाल बाल बचे हैं, वो तो देख लिया, आवाज आती थी क्वार्टर में से। भाई अब सुनो मेरी बात पहले ध्यान से, वैसे हम रात के 12 बजे घर से बाहर हैं और तुम डरा रहे हो भाई। आप देख सकते हो भाई चारों तरफ कैमरा घुमा दो, कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा, कोई भी भाई कसम से बता रहा हूँ कोई भी नहीं है। और मैं इतना डेरिंग बंदा हो नहीं जितना डेरिंग मैं आज बन रहा हूँ भाई, मेरी इस वक्त अंदर से तो फट रही है। लेकिन भाई बहुत डरावना सीन है इस वक्त भाई, और डर इतना लग रहा है ना, लेकिन क्या करें, चैलेंज लिया तो भाई पूरा करेंगे। अभी तो सिर्फ रात के कितना टाइम हो गया भाई, इस वक्त 12:15 हो रहे हैं और भाई अभी हमें पूरी रात काटनी है, कम से कम 6-7 बजे सुबह होती है। तो 6 घंटे अभी हम भाई इस अंधेरी रात में गुजारने वाले हैं और भाई चेक करने वाले हैं कि क्या सच में रात के 12 भूत घूमने आते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं भाई इन खंडर वाले घरों से। भाई ये तो सच में हो रहा, ओ भाई
मैं भी अपनी परछाई देख के डर गया। वो देखना हो कैसे परछाई आ रही है टॉर्च की वजह से, और झाड़ियाँ और हिल रही है। भाई यार घर चले यार घर चलते हैं ना। भाई डर लग रहा है मुझे। भाई ये घर देख रहे हो, ये घर नहीं है, हॉरर घर है भाई, दिक्कत हो जाएगी। गाइस 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 अभी भाई हमें ना एक चीज़ दी है, चलो आपको भी दिखाते हैं। भाई ये देखो, ये पूरी बिल्डिंग है और इसके नीचे भाई देखना एक अलग से बेसमेंट के लिए जगह खाली है। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर हम वहाँ पे ज़्यादा करीब गए तो ऐसा तो नहीं कोई अंदर से बाहर आ जाएगा? तुम्हें नहीं लगता वहाँ से कोई बाहर भी आ सकता है? देखना एक बार जगह को, क्या कहते हो? भाई इधर आओ, पूरा रिकॉर्ड करो यार। भागो, वो कुछ था भाई, और सफेद छोड़ो कुछ उड़ा था ना। ओ भाई यार, भाई फाड़ दी भाई, क्यों आया मैं पागल हूँ जो मैं यहाँ आया, मैं बेवकूफ हूँ। भाई यार ये कैसी चीज़ हो रही है, तो बस शुरुआत थी ये तो भी। भाई कुछ कम से बता रहा हूँ, इतनी तेज़ हार्ट बीट है ना इस वक्त मेरी, इतनी तेज़ मेरी फटके ऐसी हो रही है। पहले मेरे को एक बात बताओ, घर जाने का रास्ता तो पता है ना? भाई ऐसे शांत मत खड़े रहो, मैं बता रहा हूँ मैं नहीं घूमता इस सोसाइटी में, मुझे नहीं पता तुम कौन सी जगह लेकर आए हो। तो भाई मैं ही कब हुआ हूँ, तुम मुझसे पहले के आए हुए हो, मतलब हम गुम गए। लो भाई गुड न्यूज़ गाइस, हम लोग गुम भी चुके हैं, अब पूरी रात यहाँ पे ऐसे काटो। भाई अभी ना थोड़ी देर भाई मैं सोच विचार करूँगा और फिर देखते हैं कि हमें कहाँ एंटर करना है, ठीक है गाइस? मैं क्या कहता हूँ, हाँ सोना है ना, सोना है ना यार, यहाँ का सोएंगे? हाँ तो इसके अंदर चल के सोने के इंतजाम में हो, क्या कहते हो गाइस? इस खंडर के अंदर जाया जाए? चलो चलते हैं, लेकिन अभी नहीं भाई, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, मेरे को पहले थोड़ी राहत लेने दो। कट करो भाई तुम कैमरा। तो भाई जिस जगह भाई पहले हम थे ना वहाँ पे यार एक दिक्कत हो गई, वहाँ पे ना भाई सिक्योरिटी गार्ड आ गया और भाई हमें बोला कि यार ऐसे आप वीडियो वगैरह मत बनाओ जगह की। तो भाई उस जगह से निकल कर अभी हम आए हैं सेकेंड लोकेशन पर, जो कि हमें पता चली कि ये भी थोड़ी सी हॉन्टेड है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता और कंस्ट्रक्शन साइट है, तो यहाँ पे बिल्कुल हॉरर वाइब है। तो भाई उस जगह तो अंदर जा नहीं पाए, बट कोशिश करेंगे कि यहाँ जा पाए, तो आ जाओ गाइस। तो भाई यार हमारा बैड लक, भाई यहाँ पे जाके भी हमने भाई चौकीदार से बात की, तो भाई मतलब पहले हम चौकीदार से बात नहीं कर रहे थे, हम वैसे ही जा रहे थे बनाने, लेकिन यार चौकीदार ने देख लिया और भाई हमें फिर से रोक लिया। यार यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना मतलब ऐसे ज़्यादा वीडियो वगैरह बनानी अलाउड है नहीं, तो भाई चौकीदार यहाँ पे रोक देते हैं, इसलिए भाई हम रात का स्टे नहीं कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पे भी हमें चौकीदार ने मना कर दिया, तो भाई इसी के साथ भाई हम लौट के बुद्धू घर को आए। अब घर जाकर रेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई एक इंसिडेंट तो मेरे साथ हो चुका है भाई, मेरी इतना उस वक्त इतनी गंदी फट चुकी थी, इतनी ज़्यादा फट चुकी थी, कहने का चमकादड़ था। हैं अब तुमने तो बोला हम घर पहुँच गए, कौन कह रहा था? हम घर नहीं पता हमें, नहीं तो भाई यार ये एक अलग टेंशन है, अभी हमें घर भी ढूंढना है। चलो भाई घर ढूंढे अब, चलो भूत तो मिला नहीं, घर ही मिल जाए। भाई पिछले ना पता तुमने मेरे को कितना थका दिया है भाई, पिछले एक घंटे से ये बंदा मेरे को घुमा रहा है भाई, ना इस बंदे को घर पता है ना मुझे घर पता है। क्या दिखा रहे हो ये जगह? भाई यार ये जगह भी खंडर बन गई है ना, यहाँ पे क्लब है। हाँ यहाँ पहले गाइज यहाँ पे ना पहले क्लब था, यहाँ पे हम भाई देखा होगा ना हम टेबल टेनिस वगैरह खेलते थे, यहाँ पे पहले हम टेबल टेनिस खेलते थे, अब ये जगह भी खंडर बन चुकी है। और भाई तुम अच्छा एक सेकेंड, दिमाग की बत्ती चली चल गई, अगर क्लब यहाँ है तो हमारा घर का होगा। ओ चलो भाई, भाई हमें तो अपना घर मिल गया, जल्दी से अपना घर पहुँचते हैं, शांति से बैठते हैं, पानी पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं गाइस, आ जाओ। तो भाई थकार कर भाई हम लोग पहुँच चुके हैं भाई अपने घर, मतलब कि घर के सामने वाले पार्क में अपने, और आराम से बैठे हैं गाइस। हमने करे भाई आज दो अटैम्प्ट, एक तो हमारा सक्सेसफुल रहा, मतलब पूरे तरीके से तो नहीं, बट हाँ अधिकतर सक्सेसफुल रहा। वहाँ पे भाई सही बता रहा हूँ, वो इतना आपको ना कैमरे में इतना डर नहीं लग रहा होगा जितना हमें रियल में लग रहा था भाई, इतना गहरा था ना वो, मेरे को हर बार ऐसा लग रहा था अभी कोई दौड़ता हुआ आएगा, अभी कोई दौड़ता हुआ आएगा, मेरे दिमाग में ना कंटिन्यूसली वही चल रहा था। और एकदम से वहाँ पे जब चमकादड़ उड़ा ना भाई मेरी फट गई, इसलिए मैं दौड़ा था। और भाई सेकंड जगह जब हम गए भाई वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम हुई, चौकीदार ने मना कर दिया, तो हमने भाई समझा चीज़ों को, ठीक है भाई नहीं अलाउड तो ओके, भाई उनकी भी नौकरी है यार, उनकी भी जॉब है रोकना, तो ठीक है गाइज। बाकी गाइज ये बताओ, अभी तो भाई मैंने कराई प्रशांत और मैं, मतलब हम दो लोग थे, अगली बार क्या आप चाहते हो कि मैं अकेला करूं, या फिर और कोई चैलेंज अगर आपके दिमाग में है तो वो बताओ भाई। अब जो चैलेंज आप बोलोगे ना वो चैलेंज तुम्हारा भाई करेगा, बस तुम बोलो, लेकिन हाँ वो चैलेंज पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बोल दो अंतरिक्ष में जाओ वहाँ से कूद जाओ,
भाई लॉजिकल बोलना, तुम्हारा भाई पूरा ट्राई करेगा, पूरी कोशिश करेगा वैसे चैलेंजेस बनाने की। और बाकी भाई इसी व्लॉग में भाई आप लोग अपने Q&A के सवाल भी पूछ लो, क्योंकि भाई 10K पे मेरे को सवालों का जवाब भी देने हैं। मेरे पे कई सारे सवाल हैं, लेकिन अभी रिसेंटली अगर आपके पास और भी सवाल है तो भाई मेरे से इसी में कमेंट में पूछ लेना। बाकी Q&A का व्लॉग भी जल्दी आ जाएगा गाइज। बाकी ये व्लॉग आपको कैसा लगा गाइज मुझे ये जरूर बताना। देखो गाइज कुछ नया ट्राई किया, क्योंकि भाई काफी वक्त से शांत बैठा था, कुछ मतलब हल्का फुल्का ही बना दे रहा था जो भी मन में आ रहा था। ये कंटेंट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और व्लॉग में मजा आया नहीं आया वो भी बताना। अगर व्लॉग जेन्युइनली पसंद आया तो भाई व्लॉग को एक लाइक कर देना, मैं अपने आप समझ जाऊँ, क्योंकि भाई आप लाइक करोगे तो मुझे समझ आएगा कि हाँ लोगों को मजा आ रहा है। बाकी जो भी चैनल पर नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि भाई ऐसे मजेदार व्लॉग्स और भी आएंगे अभी। तो ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।